नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। इंग्लिश ग्रामर हिंदी में सीखें और टॉपर बने। दोस्तों, लर्न इंग्लिश इजीली चैनल आपको हेल्प करेगा हाई मार्क्स स्कोर करने में इंग्लिश सब्जेक्ट में, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएससी हो, बैंकिंग हो, इंडियन रेलवेज हो और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। क्योंकि इस चैनल में इंग्लिश ग्रामर को बड़े ही अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया गया है। दोस्तों, अभी तक हमने कवर किया है द नाउन, द प्रोनाउन, एडजेक्टिव, द वर्ब एंड द प्रीपोजिशन। मुझे उम्मीद है आपने वो सब देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस साथ में आप कमेंट करके इन चीज़ों का पीडीएफ भी मंगा सकते हो मेरे से। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में, द आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट वी स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। अ रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स कैन समटाइम्स लीड टू अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू ऑल टुगेदर। ये बोलता है कि एक आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सही रहेगा, नहीं तो अगर गलत इस्तेमाल किया तो पूरे सेंटेंस का मतलब या वर्ड का मतलब बदल सकता है। यूज ऑफ सम आर्टिकल डिपेंड स्ट्रिक्टली ऑन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम। और कुछ आर्टिकल जैसा वो वर्ड साउंड प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, दे आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। इसके बारे में मैं एक अलग ही वीडियो बना के आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल्स आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो और चाहे वो एरर फाइंडिंग के रूप में हो, किस टाइप से आते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग टू फैमिली ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल के परिवार में क्या क्या चीज़ें आती हैं? द फैमिली ऑफ आर्टिकल हैज़ ओनली थ्री मेंबर्स। तीन ही चीज़ें भाई, दे आर, ए एन एंड दी। याद रखिएगा, ए एन दी। अब आगे देखेंगे, दे फॉल अंडर टू ग्रुप। परिवार में तीन है, ए एन द, और दो ग्रुप होता है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है उसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, याद कर लेना। द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। ए एंड ए एन आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम पहले पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर ये आपको टेबुलर फॉर्मेट में बना के दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको सीखने के लिए आसानी हो। यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, राइट। वेयर टू यूज़, मतलब हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसके एग्जांपल्स हैं। ए एन इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। आपको पता होगा काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स के चैप्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड। मैं दोबारा एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जैसे एन इंपोर्ट, आप इसे काउंट कर सकते हैं ना, इंपोर्ट को, दवात को, कि कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है। दूसरा एन यूज होता है with all singular common nouns beginning with a vowel। देखिए repetition आ रहा है, जैसे जैसे आपका वीडियो बनाया था हमने vowel, consonant, ताकि आप पहले इन शब्दों से वाकिफ हो जाएं, इसलिए हमने पहले वो वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ऑल सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। एक वचन पढ़ा था आपने, नाउन आपको पता होगा, जो भी
वोवल से शुरू होते हैं। इंग्लिश में कितने वोवल होते हैं? 5, AEIOU। क्लियर है? AEIOU। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, ए वोवल है, सिंगुलर नाउन है आर्टिस्ट, तो AN का इस्तेमाल हुआ। ही इज एन ओल्ड मैन, ओ वोवल है, AN का इस्तेमाल हुआ। आई इंटेंड टू बाय एन अम्ब्रेला, अगेन सिंगुलर नाउन, AN का इस्तेमाल हुआ। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें अपवाद बोला जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, देखते रहेगा। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट बट गिव्स द साउंड ऑफ अ वोवल, एन शुड बी यूज्ड बिफोर इट। इसका मतलब क्या है? कोई एक ऐसा शब्द जो वोवल से स्टार्ट ना होके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स थे, राइट? उसमें से 5 वोवल थे और बाकी बचे हुए 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में पढ़ा था आपने स्वर और व्यंजन। ये बोल रहे हैं अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है बट उसका प्रोनंसिएशन में वोवल वाली प्रोनंसिएशन आती है तो वहाँ पे भी आप AN लगाएंगे। तो AN का यूज़ N जिसे आप बोलते हैं, देखिए काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है, दूसरा आपका सिंगुलर नाउन जो वोवल से शुरू होते हैं उसमें AN लगेगा, तीसरा AN आपका वहाँ लगेगा जहाँ पे कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है बट उसका जब आप उच्चारण करते हैं यानी प्रोनंसिएशन होता है, ठीक है, तो और वोवल की आवाज़ देता है, आवाज़ कैसी होती है, साउंड कैसी होती है, वोवल के जैसी, तो वहाँ पे AN लगेगा। ये 3 आपके AN की यूसेज हैं, इसे याद कर लीजिए। इस वाले 3rd पार्ट का जहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है बट साउंड वोवल जैसा आ रहा है उसके एग्जांपल्स में आगे समझा रहा हूँ, प्लीज़ गौर से देखिए। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हुआ है एच से बट ऑनरेबल, ओ की साउंड आ रही है तो इसलिए एन लगा। ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, राइट? ऑनर, ऑनर बोलते ना, ठीक है। ही इज एन LLB, ए की साउंड आ रही है जो आपका वोवल है इसलिए AN लगा। ही इज एन MA, M से कर रहे हो बट MA बोलते हैं, A का साउंड आ रहा है तो आपका AN लगा। A का साउंड का मतलब वोवल का साउंड आ रहा है। यू विल रीच देयर इन एन आर, O का प्रोनंसिएशन आ रहा है R बोलते हुए, तो यहाँ पे आपका AN लगा। ये आपका AN का यूसेज कंप्लीट हो गया, कैसे यूज़ करते हैं। अब आ जाइए A में। अब देखिए यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल A, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल 2 थे, AN आप देख चुके हैं, अब A का मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, वेयर टू यूज़, कहाँ होगा और एग्जाम्पल्स उसके। ए इज यूज विद काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड, राइट? अ बुक। ए इज यूज बिफोर ऑल सिंगुलर कॉमन नाउन्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर पता है आपको एक वचन, कॉमन नाउन आपको पता है, पीछे नाउन के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया है, बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। AN का यूज हो रहा था बिगिनिंग विद द वोवल, ए कहाँ हो रहा है, बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। अ बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड,
ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल बट गिव द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट. अ शुड बी यूज्ड बिफोर इट. देखिए ए एन का इस्तेमाल कहाँ किया था, हुआ तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट था पर साउंड वोवल का दे रहा था तो वहाँ पर हमने ए एन लगाया था. और ए का यूज़ कहाँ हो रहा है, स्टार्ट वोवल से हो रहा है पर साउंड कॉन्सोनेंट का देगा तो वहाँ लगेगा. तो ये डिफरेंस है, तीन डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा ए और ए एन के बीच में. अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ. ही वॉज हेल्प इन दिस वर्क बाय अ यूरोपियन. स्टार्ट ई से हुआ है जो कि एक वोवल है बट साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है इसलिए ए लगा है. ही इज अ वन आई मैन. अगेन स्टार्ट विद द वोवल, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इसलिए ए लगा है. इट इज अ यूजफुल वर्ब. अगेन स्टार्ट विद द वोवल बट साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का. यूजफुल राइट, तो ए लगा है. तो ये दो डिफरेंस थे आपके ए और ए एन के बीच में इनडेफिनेट आर्टिकल में जो हमने कवर किया. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पे देखिएगा यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल दी. आर्टिकल में तीन मेंबर थे ए एन दी. ए और ए एन था इनडेफिनेट आर्टिकल, दी था डेफिनेट आर्टिकल. अब इसके कितने तरीके से यूज़ होते हैं, सारा टेबुलर फॉर्मेट में बनाया हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप देखकर नोट करिए. मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट रहती है, पहली ये कि अगर आप डायरी या नोटपैड लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ डायरी और नोटपैड लेकर बैठ जाइए, प्लस पेन साथ में हो और डिक्शनरी साथ में हो. जहाँ पर भी कोई वर्ड की मीनिंग पता नहीं चल रही है आपको, प्लीज़ वीडियो को रोकिए, साथ में मीनिंग को चेक करिए, डायरी नोटपैड में लिखिए ताकि आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होता रहे. बोलते ना हिंदी में एक पंथ दो काज, वही होगा आपका एक पंथ दो काज. यानी आप सीख रहे होंगे आर्टिकल, साथ में वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे होंगे. इतना ही नहीं, साथ में आपको एक मौका मिलेगा कि आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में बना भी सकते हो. अगर इतने से भी आपका नहीं सरता है, मतलब नहीं समझ पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके पूछिए, टाइम निकाल कर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और ज़रूर समझाऊँगा. मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो इसकी, क्योंकि ये जो पीडीएफ बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में रख के बनाया गया है. ये ध्यान में रख के कि जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसे अच्छे से समझ में आ जाए, तो प्लीज़ कमेंट में ईमेल आईडी डाल के तीन वर्ड लिख दीजिए, रिक्वेस्ट फॉर पीडीएफ. मैं आपको आपके मेल आईडी में पीडीएफ भेज दूँगा. क्लियर है आपको यहाँ तक? Use of the definite article the. देखें the is used before the superlative degree. हमने पढ़ा था three form of degree, आपको याद होगा. Please, अगर याद नहीं है तो adjective खोल के पढ़ लीजिएगा दोबारा से. He is the ablest man of the town. Ablest is a superlative degree. ठीक है, उसके आगे लगेगा the. सेकेंड, द नेम ऑफ स्टेट्स कंट्रीज एक्सेट्रास हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव नेम. इसमें कन्फ्यूज मत होना, बहुत ब्यूटिफुल एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा. बोल रहा है उन राज्य देश के आगे दी लगता है जिसका एक डिस्क्रिप्टिव नेम होता है, मतलब कुछ शब्दों को जोड़ के वो बनाया गया और उस नाम से कोई मतलब निकल के आता है. देखिए द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट. पंजाब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नेम है,
कैसे हैं? पंच माने आपका पांच होता है, आप माने नदी पंजाबी में, ये समझ लीजिए। यानी पांच नदियां जहां बहती हो वो पंजाब होता है, एक डिस्क्रिप्टिव नेम हो गया, तभी इसके आगे दी लगा है। ही लिव्स इन द यूएसए। यूएसए एक कंट्री का नाम है जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अगेन अ डिस्क्रिप्टिव नेम है, इसलिए आगे दी लग रहा है। बट आप दी दिल्ली नहीं लिख सकते एंड द अमेरिका नहीं लिख सकते, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि न दिल्ली डिस्क्रिप्टिव नाम है न अमेरिका डिस्क्रिप्टिव नाम है। क्लियर है? अब आइए आप तीसरा पॉइंट देखिए जो आपको और मज़ेदार लगेगा कि कैसे यूज होता है ये, ठीक है? आज ये थर्ड पॉइंट में, द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स किसे बोलते हैं? अ होली बुक इज कॉल्ड अ स्क्रिप्चर। होली किसे बोलते हैं, अब ये पूछेंगे आप मुझसे, तो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको होली बुक्स बोला जाता है, ठीक है, या स्क्रिप्चर्स बोला जाता है। उनके नाम के आगे दी का प्रयोग करते हैं। द गीता इज अ होली बुक। गीता है जैसे, वो एक होली बुक है, एक स्क्रिप्चर है। तो दी गीता, दी बाइबल, दी कुरान, ये सब एक पवित्र ग्रंथ है, तभी इन्हें हम लोग द लगाते हैं। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। द ट्रिब्यून इज पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, जितने भी न्यूज़पेपर हैं जिनके नाम के आगे दी लगता है। पांचवा, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के आगे, कनाल्स नहर के आगे, सीज समंदर हो गया, ओशन सागर हो गए, बेज गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एक्सेट्रास, राइट? एग्जांपल देखिए, द गंगा इज अ होली रिवर, द इंडियन ओशन इज द डीपेस्ट ओशन, द राजस्थान कैनाल विल बी द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, द पर्शियन गल्फ इज अ नैरो गल्फ। आया समझ में आपको? पांचवा पॉइंट क्या था? दी वहाँ लगता है जहाँ किसी नदी का नाम, कैनाल्स का नाम, सीज का नाम, ओशंस का नाम, बेस का नाम, गल्फ्स का नाम, या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यूज हो रहा हो, इस टाइप की चीज़ों पे दी लगता है। दी कहाँ लगता है फिर? नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स। द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। द ताज का मतलब यहाँ पे ताजमहल से है। द लाल किला इज इन दिल्ली। लाल किला भी एक फेमस बिल्डिंग है, ठीक है। द नेम्स ऑफ नेशनल सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। दी किससे पहले लगेगा? नेशनल सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। एग्जाम्पल देखिए, द इंग्लिश नेशनल्स आ गए, डिफीटेड द जर्मन्स इन द लास्ट वर्ल्ड वॉर। दी आ रहा है नेशनल्स के आगे। द रिच क्या हो गया? सेक्ट्स हो गया, या कम्युनिटी, अमीरों का समूह समझ लीजिए। शुड हेल्प द पुअर, अगेन कम्युनिटी हो गया। द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। द हिंदूज सेक्ट, जाति जो होती है, ठीक है, इनके आगे दी लगता है ऐसे। अब आ जाइए एक और पॉइंट देखिए। दी इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन्स। बोलता है अगर आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं तो वहाँ पर दी का प्रयोग होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास प्रॉपर नाउन था। दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आपने शेक्सपियर जो प्रॉपर नाउन था उसको कॉमन बनाया। आप बता रहे हैं कि कालिदास जी जो थे वो भारत के शेक्सपियर थे। शेक्सपियर कौन था? अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। प्लीज नोट, इन सच केस द आर्टिकल इज टू बी यूज्ड
ओनली बिफोर द सेकेंड नाउन. यहाँ पे सेकेंड नाउन क्या है? शेक्सपियर, लंदन. इनके आगे ही दी लगेगा, पहले वाले नाउन के आगे नहीं लगेगा. आ जाइए फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चेंज द फेस ऑफ इंग्लैंड. ये हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन या इवेंट्स जो है उसके आगे लगता है. द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या द इंडियन फ्रीडम फाइट. मतलब फ्रीडम फाइटर थे जो फाइट कर रहे थे, उन्होंने जो भी रिवोल्यूशन किया था, तो उसके आगे आपका दी लगता है. द डायरेक्शंस, डायरेक्शन में द सन राइजेज इन द ईस्ट. डेफिनेट है ना, सन यूनिक है, ये याद रखिएगा, आगे और समझाऊंगा. ये पॉइंट नोट कर लीजिए, द सन क्यों आ रहा है आगे बताता हूँ आपको. राइजेज इन द ईस्ट, सेट इन द वेस्ट. तो डायरेक्शंस के आगे भी थी लगेगा. नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स, जो यूनिक चीज़ें हैं, जिसके जैसा दूसरा. यूनिक का मतलब क्या होता है? जिसके जैसा दूसरा ना हो या उसके जैसा दूसरा ना हो. एज द सन, द मून. अब एग्जांपल देखिए, द सन एंड द मून आर लैंप्स ऑफ हेवंस. राइट, दूसरा सूरज तो नहीं है, दूसरा चंद्रमा नहीं है. अब आप अगर साइंस के शब्दों में समझेंगे, वो आप बोलेंगे जी पृथ्वी के तो 10 चंद्रमाएं हैं. ठीक है, बट जो कॉमन मैन है, जो वो साइंटिफिक लैंग्वेज में है, बट जो कॉमन मैन है, जो इंग्लिश यूज करते हैं, जो पृथ्वी से चंद्रमा दिखता है या सूरज दिखता है, वो तो एक यूनिक ही है. अगर 10 भी होंगे चंद्रमाएं, तो आपको सारी तो आंखों से नहीं दिख रही है, दिखता तो एक ही है, इसलिए वो यूनिक है. नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव में देखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है. एग्जाम्पल देखें, मै किम स्टैंड बाय द ईयर, ही स्ट्रक मी ऑन द हेड. राइट, पार्ट ऑफ द बॉडी इन द पॉजिटिव एडजेक्टिव. टाइटल्स के आगे भी दी लगता. अकबर द ग्रेट वॉज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स. अकबर के आगे लगाते थे ना द ग्रेट. आगे आ जाइए, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म होता है कंपैरेटिव डिग्री. मैं आपको ये याद होगा, व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है? मतलब आप ये समझिए, रेशो प्रोपोर्शन प्रैक्टिस किया अपने मैथमेटिक्स में? हालांकि मैं पढ़ाता तो इंग्लिश हूँ, पर मैथ्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ. अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैथ्स के भी शॉर्टकट आपको ऐसे बताऊँगा, वो नए चैनल पे होगा, आपको मज़ा आ जाएगा वो करने में. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. कंपैरेटिव डिग्री मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन. एग्जांपल देखिए, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर. ठीक है, ये बोल रहे हैं जितना गहरा जाओगे उतना ही पानी ठंडा होगा. तो ये प्रोपोर्शनेट है. फिजिक्स में भी हमने वर्ड पढ़ा है प्रोपोर्शन का, याद करिएगा अगर किसी ने पढ़ा होगा. प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये दूसरी वाली चीज़ भी बढ़ेगी, उसे प्रोपोर्शन में बोलते हैं. अगर आपने एक चीज़ को नापा या बढ़ाया तो जो दूसरी चीज़ है वो भी बढ़ रही है. यहाँ पे क्या है? पहली चीज कुएं की गहराई. द डीपर द वेल, जितना गहरा होगा. द कूलर द वाटर, दोनों में दी लग रहा है क्योंकि ये प्रोपोर्शन है. जितनी गहराई बढ़ती जाएगी पानी की ठंडक उतनी बढ़ती जाएगी, ये बोलना चाह रहा है. अगर ऊपर आओगे तो पानी गर्म मिलता जाएगा. ठीक है ना. अब आ जाइए 15th, कहाँ पर यूज होता है? The is used before adjectives of a comparative degree when selection is meant.
मतलब एडजेक्टिव में जहाँ कंपैरेटिव डिग्री हो यानी सेकंड फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे सेलेक्शन की बात हो, दोनों में से कौन सा। सी इज़ मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर, उन दोनों बहनों में से ये वाली बहन ज़्यादा सुंदर है। सेलेक्शन किया ना कि कौन सी बहन सुंदर है। तो जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री का हो और सेलेक्शन की बात हो रही हो वहाँ पर दी लगता है। देखिए मोर ब्यूटीफुल सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव डिग्री लगा है, उसके आगे द लग गया। क्लियर है? अब आ जाइए आगे। द डेफिनेट आर्टिकल द शुड नॉट बी यूज्ड, ये ध्यान से पढ़ना, कन्फ्यूज मत होना प्लीज़। पहला मैंने आपको पढ़ाया कि वो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ कहाँ पे लगेगा। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द, यानी द का इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में हम लोग कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको टोटल 15 कंडीशन पढ़ाई हैं। क्लियर है? अब आ जाइए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल दी शुड नॉट बी यूज, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। बिफोर लैंग्वेजेस, किसी भी भाषा के आगे नहीं लगाएंगे। अगर आप द इंग्लिश बोलते हैं तो वो हो गया इंग्लैंड में रहने वाला आदमी, ना कि लैंग्वेज। तो अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देखिए एग्जांपल, द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये गलत है। सही होगा इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, नाउन वाले वीडियो में देखा था, शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे आप फील नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, तो एग्जाम्पल ऑनेस्टी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं ये इनकरेक्ट है। सिंपल होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल देखिए, साथ में आपका रिविजन भी हो रहा है। ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रुथ, लव इत्यादि, ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, बट हाथों से टच नहीं कर पाते, जीभ से टेस्ट नहीं कर पाते। क्लियर है? एक्सेप्शन वेयर वी कैन यूज द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाया था, पर उसमें एक अपवाद होता है जो मैं आपको इसी के नीचे लिख कर बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 में, ताकि आपको ये एक साथ याद हो जाए। इफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज पर्टिकुलराइज्ड, द नेम ऑफ सम पर्सन और प्लेस इज अटैच्ड टू इट, इट विल बी यूज्ड। बोल रहा है अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी नाम को, व्यक्ति को, ठीक है, या स्थान को बताता है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे हम लगाते हैं। द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वॉज हाईली प्रेज्ड, देखिए यहाँ पे जब सिंपल फॉर्म में डाला था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक जनरल स्टेटमेंट था, कोई पर्टिकुलर नहीं बोला था कि किसकी ऑनेस्टी, ठीक है, तो हमने दी नहीं लगाया था। पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वॉज हाईली प्रेज्ड, जो ऑनेस्टी उन्होंने दिखाई वो प्रशंसा के हकदार थी, या उसे हाईली प्रेज किया गया था। किसकी? उनकी। तो यहाँ पे पर्टिकुलराइज किया गया है, इसलिए द ऑनेस्टी लिखा है हमने। आगे आ जाइए, आपने किसी भी मेटल के आगे दी नहीं लगाना है। द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, गलत है ये शब्द, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे दी नहीं लगेगा। आपने लिखना है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब आगे आ जाइए, इफ मेटल इज पर्टिकुलराइज्ड दी इज यूज्ड, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पर्टिकुलराइज्ड होने पे दी लगाया था, वैसे दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर
मेटल को पार्टिकुलराइज करते हैं तो दी लगता है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे गोल्ड को क्या पार्टिकुलराइज किया जा रहा है कि भारत का सोना, कहाँ का, भारत का, पर्टिकुलर बता रहा है ना कि किस देश का बोल दिया उसने, भारत का पर्टिकुलराइज किया है, इसलिए इसके आगे दी लगा है। बिफोर द नेम ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे द राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज, ये इनकरेक्ट है, ये सिंपल होगा राइस इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज। आज ये साथ का प्रयोग नहीं करना है, बट इफ़ द नेम ऑफ द फूड ग्रेन, ये एक्सेप्शन है, अटैच विद द नेम ऑफ प्लेस और पर्सन दी इज यूज। हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपवाद बताया, हमने आपको मेटल के अंदर अपवाद बताया कि कैसे लगेगा, नहीं तो, और हम आपको स्टेपल के अंदर भी यानी कि फूड ग्रेन के अंदर भी बता रहे हैं कि अगर वो पर्टिकुलराइज होगा तो लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलराइज होगा तो लगेगा, मेटल पर्टिकुलराइज होगा तो लगेगा, नहीं तो दी नहीं लगेगा। द राइस ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, कहाँ का राइस, इंडिया का राइस, पर्टिकुलराइज किया आपने, इसलिए यहाँ पर दी लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ द मील्स, मील्स क्या होता है जो आप खाना खाते हैं, चाहे वो दिन का खाना हो चाहे रात का खाना हो। आई हैव द डिनर नहीं होगा, देखिए ही इंजॉयड द लंच विद हिज फ्रेंड्स, इनकरेक्ट है, ही इंजॉयड द लंच विद हिज फ्रेंड्स, करेक्ट है, राइट। अब इसी में देखिए अगर ये पर्टिकुलराइज हो जाता है तो यहाँ पर भी आप दी लगा सकते हैं। द डिनर विल बी हेल्ड एट द अशोका होटल, पर्टिकुलराइज हो गया है, डिनर कहाँ होगा, अशोका होटल में होगा, तो ये पर्टिकुलराइज कर दिया गया, इसलिए दी लग रहा है। बिफोर द नेम ऑफ द गेम्स दी शुड नॉट बी यूज्ड, द हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, इनकरेक्ट है, हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, करेक्ट। अच्छा दी कहाँ नहीं लगेगा, बिफोर कलेक्टिव नाउन यूज्ड इन अ जनरल टर्म्स, अगर किसी कलेक्टिव नाउन में जनरल टर्म्स में यूज हो रहा है तो वहाँ पर दी नहीं लगता है। द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल, पार्लियामेंट का तो काम ही है बिल पास करना, जनरल स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट, सही है ना, करेक्ट है, क्योंकि द पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल इज ए जनरल टर्म, और इसको अगर पार्लियामेंट ने बिल पास करना एक जनरल टर्म है तो इसके आगे दी नहीं लगेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, दी हटा देंगे तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट हैज पास द बिल, जो एक करेक्ट सेंटेंस होगा। अब आपको ये सिर्फ एक दो दिन लगातार वीडियो देखना है, सुनना है, अपने परमानेंट मेमोरी में बिठाना है, तब जाके आपको ये याद होगा। फ्रेंड्स अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप गलतियां कर रहे होंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप पहली बार कोई चीज़ सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ आवर्स के लिए वो याद रह सकता है, बट आप उसे 24 घंटे में एक बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है, वो टेम्प्रेरी मेमोरी में रहता है, फिर वहाँ से वो डिलीट हो जाता है, समझ लीजिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो रिवीजन ज़रूरी है, जैसे हम पढ़ते थे, याद करिए, टीचर रिवीजन कराती थी, राइट, या कराते थे, तो उस केस में क्या होता है, आज आपने ये वीडियो देखा, अब कल 24 घंटे होने से पहले एक बार इसे थोरो स्टडी कर लीजिए, फिर आप इसे दो दिन छोड़ के फिर थोरो स्टडी करिए, ताकि वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाए और एग्ज़ाम के टाइम में आपको सारे पॉइंट याद हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रॉन्ग यूसेज कहाँ पे होता है और कैसे लिखते हैं और आपको कैसे करेक्ट करना होता है या कैसे फाइंड आउट करना होता है,
आपको कैसे पता चलता है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, पेशेंस के साथ सुनते रहिएगा। अगर आप में पैशन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्लियर करने के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ही इज़ अ एम ए, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? ही इज़ एन एम ए। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने देखा ही इज़ अ एम ए, तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इनडेफिनिट आर्टिकल में ये पढ़ा था कि जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है बट वोवल का साउंड आता है तो उसके आगे ए एन लगाते हैं। ऐसे ही ये आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप देखिए, समझिए। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया, इस बार मैं नहीं बोलूँगा कमेंट करिए, इस बार मैं ये बोलूँगा कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तब वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा। और जब आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। आइए, ही इज़ अ एल एल बी, अगेन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। एल एल बी, सेम रूल अप्लाइड हियर। इफ अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट इनडेफिनेट में ए एन में पढ़ाया था मैंने आपको कि वोवल का साउंड आ रहा है तो ए एन लगेगा। वोवल क्या है? ए ई आई यू यू। एल एल बी बोलते हुए ए का उच्चारण हो रहा है, राइट, तो ए एन लग रहा है। ही इज अ एम पी, अगेन सेम रूल, एन एम पी होगा। मोहन इज अ एम बी बी एस, अगेन सेम रूल, मोहन इज एन एम बी बी एस। देखिए, जो मैंने आपको ये सिखाया है इसी रूल पे आगे के भी क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। दासगुप्ता इज अ हिस्टोरियन, दासगुप्ता इज एन हिस्टोरियन। सी इज अ होस्टलर, सी इज एन होस्टलर, वो का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, सेम रूल चल रहा है। सचिन इज अ ऑनेस्ट मैन, राइट, सचिन इज एन ऑनेस्ट मैन। अब आप बोलेंगे, सर आपने तो दी में बोला था ऑनेस्ट के आगे कुछ नहीं लगेगा। दोस्त सही है, पर मैंने ये भी बोला था अगर पर्टिकुलराइज किया जाता है तो वहाँ पे लगता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो दी के साथ था, ठीक है। यहाँ पे ना पर्टिकुलराइज का केस बन रहा है ना आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का केस बन रहा है, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट बन रहा है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सचिन जो है एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट शब्द में एच का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वोवल क्या साउंड पहले आता है? ऑनेस्ट, ओ की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ए ई आई ओ यू आपका वोवल है, और वोवल का जब कंसोनेंट से वर्ड स्टार्ट होता है पर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण वोवल का आ रहा होता है तो ए एन लगता है, ऐसे समझना है आपको। आगे एग्जांपल आएगा, आप समझिए। ही इज हेयर टू वास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, टू अ वास्ट प्रॉपर्टी। अ आर इज मेड ऑफ 60 मिनट, अगेन गलत है। एन आर इज मेड ऑफ 60 मिनट। माय ब्रदर इज ओनली एम ए, माय ब्रदर इज ओनली एन एम ए। ही इज एन वन आइट मैन, कंफ्यूज मत होना कि वोवल लगा है जी, ठीक है, इसलिए एन लगा रहे हैं, नहीं। एक रूल और पढ़ाया था जिस पे बोला था कि वर्ड वोवल से स्टार्ट हो सकता है पर उसका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट वाला हो तो उसके आगे ए लगेगा, क्लियर है। वोवल से स्टार्ट है ओ बट प्रोनंसिएशन वन, तो कंसोनेंट की आवाज़ आ रही है। कंफ्यूज होंगे आवाज़ पकड़ने में, मुझे पता है, इसकी प्रैक्टिस करिए आप पकड़ पाएंगे। ही इज़ एन यूरोपियन, यूरोपियन, राइट, सेम ईयर ए लगेगा, सेम रूल। इट इज़ एन यूजफुल बुक, सेम रूल, अ यूजफुल बुक। ही इज़ अ एस टी ओ, ए, प्रोनाउंसिएशन की आवाज़ आ रही है, देखिए एन एस टी ओ हो गया, वोवल की आवाज़ आ रही है। अब आगे आइए 16th नंबर के एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल जब आप आराम से समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज़ गिव मी एन वन रुपी नोट, अगेन इनकरेक्ट है।
इट विल बी प्लीज़ गिव मी अ 1 रुपी नोट। सेम रूल है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है बट कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, राइट। एंड यूनिवर्सिटी इज अ सीट ऑफ लर्निंग, सेम रूल। गंगा इज अ होली रिवर, आपको बताया था द गंगा होगा, कौन सा रूल था, फेमस चीज है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। गंगा अपने में एक यूनिक चीज़ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि एक गंगा है ना, दूसरी तो गंगा नहीं है, दूसरी फिर भागीरथी है, यमुनोत्री है, अलग अलग नदियाँ हैं, चेनाब है, तो आप ती लगा सकते हैं। ही इज ए ब्लेस्ड मैन ऑफ द टाउन, मैं हिंट देता हूँ, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री लग रहा है, क्या लगेगा, दी। रिच मस्ट हेल्प पुअर, सेक्ट लग रहा है, क्या लगेगा, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, बताया था। इज अ नेव, इज अ नेव। ही इज अ लवर ऑफ रामायण, स्क्रिप्चर वाला एग्जाम्पल देखिए आगे, ही इज अ लवर ऑफ द रामायण, गीता का एग्जाम्पल देखे बताया था, स्क्रिप्चर होली बुक, वो रूल लग रहा है यहाँ पे। द गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, मेटल के आगे कभी दी नहीं लगता है, आपको बताया था, सिंपल होगा, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, अब मेटल को पर्टिकुलराइज किया गया है, कहाँ का गोल्ड, साउथ अफ्रीका का, तो अब इसके आगे दी लगेगा, ये रूल में दे रखा है आपको। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। वेदास आर विल्ड बुक्स, अगेन होली बुक, स्क्रिप्चर, तो क्या हो जाएगा, द वेदास। द वाल्मीकि रामायण इज अ वर्थ रीडिंग, दी नहीं आएगा, आपको बताया था, रूल देख लीजिएगा, वाल्मीकि रामायण इज वर्थ रीडिंग। हिंदुस्तान टाइम्स गिव द लेटेस्ट न्यूज़, बोला था सारे न्यूज़पेपर के आगे द लगेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स द लेटेस्ट न्यूज़। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड, हमने आपको बताया था, याद करिए रूल है ऊपर, कि पहले नाउन के आगे नहीं लगेगा, अगर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज़ कर रहे हो तो सेकेंड नाउन के साथ आपका दी लगेगा, ये रूल लग रहा है एग्जाम्पल 28 में। देखिए कैसे रूल को लगा के कैसे पकड़ते हैं, ये एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। द मैन इज मोर्टल, तो क्या होगा, मैन इज मोर्टल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हायर यू गो कूलर इट इज, प्रोपोर्शन वाला पार्ट समझाया था कहीं पे, कि प्रोपोर्शन होगा, एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ रही होगी, उस रूल के हिसाब से द हायर यू गो द कूलर इट इज। द बर्मीज आर द बुद्धिस्ट, सही है, ये सेंटेंस में देखिए, द बर्मीज आर द बुद्धिस्ट, ठीक है। USA इज द richest कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्रिप्टिव नेम, पंजाब एग्जाम्पल दिया था, USA का दिया था, सिंपल, क्या हो जाएगा, द USA, क्लियर है, इसलिए बोलता हूँ आपको रूल ऊपर पढ़ना है। आगे आ जाइए बच्चों, ही मेड नॉइज, ही मेड अ नॉइज, द स्टेटमेंट एंड द स्कॉलर इज डेड, द स्टेटमेंट एंड अ स्कॉलर इज डेड। द वीट इज अ होलसम मील, वीट किसी भी फूड ग्रेन के आगे दी नहीं लगेगा, बताया था, वीट इज अ होलसम मील। वीट ऑफ द पंजाब इज लाइक्ड बाय ऑल, अब पर्टिकुलराइज्ड हो गया कि कहाँ का वीट, कहाँ का गेहूँ, कहाँ का कनक, पंजाब का, इसलिए दी लग रहा है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई पर्टिकुलराइज नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इन इंडिया पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये भी एग्जांपल दे रखा है, वीडियो देखिए, जब जनरल टर्म में यूज होता हो।
सोसाइटी डज नॉट परमिट दिस, सोसाइटी डज नॉट परमिट दिस। द फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम, बोला था किसी भी गेम के आगे नहीं लगेगा, देख लीजिए फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम। ये सारे एग्जाम्पल रूल के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। अगर आप इन एग्जाम्पल के साथ साथ जो भी कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस में हो चाहे हिस्ट्री में हो, अगर इंग्लिश से कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखे हुए सेंटेंस पे एक बार दिमाग लगाइए, दी क्यों लिखा है, एन क्यों लिखा है और इसका क्या रूल होता है, और उस रूल को खोल के पढ़िए, आपके परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा और इंग्लिश में आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, आई एंजॉयड द लंच विद माई फ्रेंड्स, कोई पर्टिकुलर लंच नहीं है, एक जनरल टर्म है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, ऊपर रूल दे रखा है, देखिए सिंपल बता रहा हूँ, कॉमन बात है लंच, आई एंजॉयड लंच विद माई फ्रेंड्स हो जाएगा, डी रिमूव हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में लिखते आई एंजॉयड द लंच विद माई फ्रेंड एट होटल कनिष्का, राइट, तो आपका डी लग जाता, आई एंजॉयड द लंच विद माई फ्रेंड्स एट होटल कनिष्का, मीन्स आपने उसे पर्टिकुलराइज कर दिया, लंच वॉज हेल्ड एट द कनिष्का होटल। ये गलत है क्योंकि यह पर्टिकुलराइज हो रहा है कि लंच कहाँ हुआ था, कनिष्का होटल में, द लंच वॉज हेल्ड एट कनिष्का होटल। तो दी यहाँ ना लग के दी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि कनिष्का होटल कौन सा फेमस होटल है, ऐसा कोई फेमस हिस्टोरिकल होटल तो नहीं है जो आप दी लगाएंगे, इसका भी रूल ऊपर वीडियो में दे रखा है, कोई होटल होगा तो वहाँ पे लंच डेफिनेट आर्टिकल लेगा, कनिष्का होटल नहीं लेगा। दी रामलाल इज अ गुड मैन, दी रामलाल क्यों होगा बाबा, इट शुड बी रामलाल इज अ गुड मैन। गुप्ता लिव इन डिफेंस कॉलोनी, सेक्ट आ गया, पढ़ा था द हिंदूज, वैसे द गुप्ताज लिव इन डिफेंस कॉलोनी। द इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज के आगे नहीं लगेगा, जब आप द इंग्लिश बोलते हैं तो ये इंग्लैंड के निवासियों के लिए होता है, द इंग्लिश मीन्स वहाँ के नागरिक जो है, इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। अब देखिए इसी में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देखिए द इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कर रहा है तो इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज होगा, क्योंकि एक रूल ये बोलता है कि लैंग्वेज के आगे दी नहीं लगेगा। आज ये दूसरा एग्जांपल देखिए, इंग्लिश स्पोकन इन इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एन अमेरिकन। अब कौन सी अंग्रेजी पर्टिकुलराइज कर रहा है भैया, इंडिया में बोले जाने वाली अंग्रेजी, तो क्या लगेगा, दी। ये चीज़ याद रखना, आपसे गलती नहीं होगी। नाउ द हॉर्सेज आर यूज फॉर प्लगिंग ऑल्सो, कौन सा हॉर्स पर्टिकुलर है, क्या नहीं है, क्या होगा, हॉर्सेज आर यूज। और एक और रूल दिया था, मैं आप चाहता हूँ कि आप वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा उस रूल को देखिए और इस सेंटेंस में आइए, आपको तब जाके क्लियर होगा। अब देखिए हॉर्सेज ऑफ अरेबिया आर इन ग्रेट डिमांड, कहाँ के घोड़े, अरेबिया के, डिमांड में, तो दी लगेगा, पर्टिकुलराइज कर रहा है इसमें भी। द विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, जनरल टर्म और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन कौन से रूल लग रहे हैं, देखिए एक ही सेंटेंस में आप कई रूल लगा के भी पकड़ सकते हैं। विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस, द विजडम ऑफ गांधी वॉज फेमस, क्योंकि किसका विजडम, गांधी जी का। द वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। आगे आइए, वाटर ऑफ द गंगा नेवर गेट्स पॉल्यूटेड, देखिए द गंगा तो आ गई, होली है,
और यूनिक भी है, एक ही है गंगा, ठीक है। अब पर्टिकुलराइज कर रहा है कि कहाँ का पानी, गंगा नदी का पानी, तो दी वाटर ऑफ द गंगा नेवर गेट्स पॉल्यूटेड। द समर इज अ हॉट सीजन, समर तो समर है, कोई पर्टिकुलराइज नहीं है कब का समर, किस कंट्री का समर, राइट, तो दी नहीं लगेगा, समर इज अ हॉट सीजन लगेगा, क्लियर है। अब समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट, पर्टिकुलराइज कर रहे हो आप कि पिछले साल की गर्मी, तो अब दी लग जाएगा, द समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, राइट, और आपने काफ़ी हद तक रूल्स सीख भी लिए होंगे, सुनते सुनते हमें ज़्यादा याद हो जाता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नोट्स बनाया है उसे प्रैक्टिस करिए, नहीं बनाया तो टाइम निकाल कर वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए ताकि रूल आपको याद हो जाए। पर आप रेडी रेकॉर्डर की तरह इसके नोट्स रखना चाहते हैं, आपका समय बड़ा कीमती है, आप हाथ से लिख लिख कर नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में सिर्फ एक मेल कर दीजिए, मेल आईडी दे दीजिए कमेंट में, और 2 वर्ड लिख दीजिए, रिक्वेस्टिंग फॉर PDF ऑफ दिस टॉपिक, मैं आपको PDF फाइल मेल कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बट ये आप मेरे को जल्द से जल्द करिएगा जब मेरा वीडियो पब्लिश होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में लॉकडाउन खुलने की संभावना है तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, जस्ट वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। अब दूसरे वीडियो की प्रतीक्षा करिए जिस पे हम मॉडल्स को कवर करेंगे, और इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा मॉडल्स को। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको एक ही वीडियो में कवर करूं ताकि आपको बार बार वीडियो ढूंढना ना पड़े, कहाँ पर वीडियो है कैसे पता चलेगा। कोशिश ये रहेगी कि टेबुलर फॉर्मेट में बना के दूंगा, और मैं ये कहूँगा कि समझना सबसे आसान रहेगा किसी भी वीडियो से। मुझे उम्मीद है आज का आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, रूल सारे जोटेड डाउन है। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं रिकैप आपको दे रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर चैनल जो मैंने आपके लिए बनाया है, हिंदी में सिखाता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ, और इसके रूल नियम जो ग्रामर के दिए गए हैं वो आपको कोई से भी एग्ज़ाम्स हो कॉम्पिटिटिव, जैसे NDA, CDSE, बैंकिंग, इंडियन रेलवेज, इन सब में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज हमने दी आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल की फैमिली देखी कि उसमें 3 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, A, N, and D। ए और एन जो है आपका वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल का टेबुलर फॉर्मेट में हमने पहले AN का 3 नियम पढ़े, आपने देखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनडेफिनेट आर्टिकल किया A, यानी 2 इनडेफिनेट आर्टिकल हैं टोटल, आर्टिकल 3 A, N, D, और उसमें 2 इनडेफिनेट आर्टिकल हैं A और N, तीसरा दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का हमने 3 जगह देखा कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ होता है, फिर हमने देखा डेफिनेट आर्टिकल दी कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, उसके 15 नियम देखे जो आपको शायद याद हो गए हों कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, जो आपको काफ़ी काम आएगा। फिर हमने देखा कि दी डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना है, और कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी चीज़ को, वस्तु को या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है, क्लियर है यहाँ तक। फिर
फिर हमने देखा कि ये 11 ऐसी वो थी जिन पे आपको दी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करना था, और 3-4 केसेस ऐसे आए थे जहाँ पे पर्टिकुलराइज करने के बाद दी लगा सकते थे, उन सबको याद करना। फिर हमने इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ा। इनकरेक्ट और करेक्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि इनकरेक्ट सेंटेंसेस एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। अब ये एरर फाइंड आउट कैसे होते हैं और क्या गलती है, वो करेक्ट सेंटेंस में हमने उसको करेक्ट करके बताया, और एक एक सेंटेंस का बताया कि आपको क्या लगाना चाहिए आर्टिकल्स में, क्या नहीं लगाना चाहिए, और अगर कुछ नहीं लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। ये सारा रूल के ऊपर बेस्ड है, एक ही टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया है। अगर इन एग्ज़ाम्पल में आप भटकते हैं तो प्लीज़ रूल को दोबारा देखिए, समझिए, नोट्स बना के रखिए, और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप सिंपल एक काम करिएगा, कमेंट में अपना ईमेल आईडी ज़रूर भेज दीजिए और एक दो सेंटेंस लिख दीजिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूँगा। उसके बाद मैंने आपको धन्यवाद दिया और रिक्वेस्ट की कि आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपकी इंग्लिश वाकई में ही बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ग्रामर को हिंदी में समझाया जा रहा है और टेबुलर फॉर्मेट में बना के जो रूल एक साथ दिया जा रहा है और एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बनेगा मॉडल्स के ऊपर और उस पे अगेन टेबुलर फॉर्मेट में बताया जाएगा, बड़ा सिंपल तरीके से, ताकि आप आसानी से समझ सकें। हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल इंश्योर दैट आई विल आंसर योर क्वेश्चन और अ क्यूरी इन अ गिवन टाइम फ्रेम। मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया है कि लॉकडाउन तक मैं 48 आवर में आपको रिस्पॉन्स करूँगा। कोई भी चैनल वाला ये नहीं बोलता है कि मैं आपको 48 आवर में करूँगा। इस चैनल की खासियत ये है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ लॉकडाउन तक, यानी जो अभी गवर्नमेंट ने 31 मई तक लॉकडाउन लगाया है, इस दौरान आपकी किसी भी क्यूरी का आंसर 48 आवर में आपके इनबॉक्स पे मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस ईव। थैंक यू।